बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का अपना व्लॉग करते हैं जी शुरू। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो वो भी कर दीजिएगा, शुक्रिया। सुबह से इतनी गर्मी थी ना, शदीद गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। नीचे कमरों में बस पंखे चल रहे हैं, पसीना फिर भी आ जा रहा था। और अभी माशाल्लाह से मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो चुका है, हवा चलना शुरू हो गई है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अभी आपको पहले मौसम दिखाते हैं, कुछ इस तरह का मौसम जो है हुआ पड़ा है। हवा चल रही है बहुत प्यारी प्यारी, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, मीठी मीठी सी। अभी ना मैं पहले अपनी एक USB ढूंढ रहा था जो कि मुझे तो वो नहीं मिली, लेकिन एक पुरानी डायरी मिल गई है। आज मैं आपको अपनी पुरानी डायरी, आज मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मेरी पुरानी डायरी में क्या क्या था। कुछ देख के हमारी भी जो है यादें ताज़ा हो जाएंगी पुरानी डायरी को, और आपके साथ भी शेयर कर लेंगे जी हमारी पुरानी डायरी। बहुत ही प्यारे प्यारे इसके अंदर शेयर, कुछ अच्छी अच्छी बातें, कुछ ऐसी यादें उसके अंदर सेव हैं जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा थोड़ी देर में जी। तो फ्रेंड्स, ये है जी हमारी डायरी। ये डायरी मैंने शायद 7th क्लास में था जब तब ली थी, और तब जो है लिखनी स्टार्ट की थी। इसको मैंने नहीं लिखा, ये जिसके पास गई है उसने अपने मुताबिक जो उसको अच्छा शेयर लगता था या जो अच्छी गज़ल थी जो भी था वो उसके रिलेटेड इसके अंदर नोट कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं जी। तो इसका पहला फ्रंट ओपन करते ही नाम आता है जी एक स्वैगर बॉयज़। हमारे स्कूल में जो हमारी गैंग होती थी उसका नाम होता था स्वैगर बॉयज़। और नीचे ये फ़ोन नंबर वैसे लिखा हुआ है, और मेरा स्कूल में सभी लोग नाम रखते थे वो था जी रोकी। हम सभी मुझे रोकी कहते थे, तो ये हमारी डायरी रोकी के नाम से। और ये मेरी काफ़ी पुरानी तस्वीर है, इसको करते हैं एक दफ़ा साइड पे। और आगे जी मेंटल इज़ बैक, और शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा नहायत रहम करने वाला है ना। आगे लिखा गया जी मेहर मेंटल इज़ बैक सॉरी। और डायरी उखड़ चुके लेकिन मैंने फिर भी इसे संभाल के रखा हुआ है। और दूसरी साइड पे जी नेम मेहर उमेर अली, अली नहीं है वैसे मेरा, मेहर उमेर ही, मेहर उमेर भी नहीं है, मोहम्मद उमेर मेरा आईडी कार्ड पे नेम है। उसके बाद नीचे सन ऑफ खादम हुसैन। तो ये था जी दोनों साइडें होगी। और अब इसको करते हैं जी शुरू। शुरू करने से पहले मैं अंदर रोकूंगा नहीं, अगर आपको कोई शेर या गज़ल जो भी हो पढ़नी हो तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और आराम से पढ़ लीजिएगा। अगर मैं इतने इतने टाइम दिखाने लग जाऊंगा तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी जो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। तो और एक और बात, अगर किसी भाई को इस डायरी के अंदर अपना कोई भी शेर या कोई अच्छी सी गज़ल लिखवानी हो तो वो अपने नाम के साथ अपनी गज़ल कमेंट सेक्शन में मुझे दे दे। इंशाल्लाह उस भाई की गज़ल मैं इसमें लिख के अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप सबको दिखा दूंगा। तो ये शुरू करते हैं जी अपने फर्स्ट पेज से। मैं एक तरीके के साथ आगे चलाता जाऊंगा। जिस भाई ने भी जो भी शेयर पढ़ना हो, जो भी कुछ हो, वो आराम से वीडियो को पॉज करे और उसको आराम से पढ़ सकता है। अगर मैंने आपको पहले भी बताया, अगर हम ऐसे पढ़ना शुरू कर दें तो ये डायरी बहुत लंबी हो जाएगी। डायरी में आपको एक चीज़ बहुत कमाल के देखने की मिलेगी कि जो भी होगा वो किसी एक बंदे की राइटिंग नहीं होगी, काफ़ी लोगों के अंदर मिक्स ही राइटिंग होती है।
ये जो कलर लगा हुआ है ये एक पहेली है। इस पहेली का जवाब चाहिए हमें, कोई बंदा दे सकता है यार, तो वो कमेंट सेक्शन में हमें इसका जवाब लाजमी दीजिएगा। ये जो स्टिकर लगे हुए हैं इनका मतलब भी कोई क्वेश्चन नहीं है, ये हमारे फेवरेट थे, दो तीन लोगों ने फेवरेट मिल गए थे तो इस वजह से इनके ऊपर लगा होगा। शायद एंड ये होगी एंड, इसके आगे किसी का कुछ नहीं लिखा हुआ, ये कोई साइड वगैरह यार, ये क्या के अंदर एक पिक्चर थी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये भाई मेरे पत्तों की इमेज होगा जी, फोकस कर लो वहाँ से जी, मैंने वो एक पिक्चर और एक ये पिक्चर जो था वो प्रिंट करवा के लेके आया था, और ये पिक्चर है ये वाली जी, ये हमारी 8th क्लास की पिक्चर है। 8th क्लास के पेपर देने के बाद जब हम निकल रहे थे, लास्ट पेपर था उस टाइम ये पिक ली गई थी, तो मैंने ऐसे बस मेमोरी के लिए, मोबाइल में भी है मेरे, लेकिन मैंने फिर भी इसे प्रिंट भी करवा लिया। काफ़ी अच्छे दिन थे यार, क्या से क्या इंसान बन जाता है कुछ पता नहीं चलता। और इनमें से हमारा एक ये वाला दोस्त जिसने ये ब्लू कलर का सूट पहना हुआ है, इसकी डेथ हो चुकी है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे हैं। और बाकी जी डायरी हमारी में अभी इतना कुछ ही लिखा गया है, अगर कुछ कोई किसी बंदे ने लिखवाना हो तो यार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह हम उस भाई का जो भी होगा नाम के साथ।